सो हेलो गाइज, यार आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और घर पर ही होंगे। सो गाइज, आज का जो वीडियो है यार, ये जो आसमान में उड़ने वाला दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने अभी स्क्रीन पे देखा है दोस्तों, इस तरीके का वीडियो जो है वो टिकटॉक पे अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है दोस्तों। तो यार, इस तरह की जो वीडियो है वो कैसे बनती है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर मैं काइनमास्टर एप्लीकेशन का यूज़ करूँगा। तो आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है और ये जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और 9.16 का जो ये बीच वाला बॉक्स है इस पे, इसके बाद गाइस आपको मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और दोस्तों, यहाँ पे जो आपने खुद की वीडियो शूट कर रखी है दोस्तों, वो वाली वीडियो आपको यहाँ पे ले लेनी है। तो यहाँ पे मैंने वो वाली वीडियो ले रखी है दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक्टिंग करना है आपको, यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक्टिंग कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपको करना क्या होगा, फिर दोबारा मीडिया पर क्लिक करना होगा और आपको जाना होगा दोस्तों यहाँ पे जो इस नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों, स्काई वाली वीडियो का, वो डाउनलोड करके दोस्तों उस वाली वीडियो को यहाँ पे ले लेना है। तो चलिए यार, वो वाली वीडियो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। उसके बाद गाइज, यहाँ पे देख सकते हो वो वाली वीडियो आ चुकी है। अब आपको दोस्तों अपनी जो खुद की वीडियो है वो शूट कर रखे, तो आपको एंड तक आना है, यहाँ पे एंड तक आना है। उसके बाद गाइज, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अपनी वीडियो को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे डिलीट के ऊपर जो ये वाला ऑप्शन है देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कैप्चर एंड सेव फ्रेम एट प्ले हेड पर क्लिक कर देना है फर्स्ट वाले ऑप्शन पर। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपका जो वीडियो का वो स्क्रीनशॉट ले लिया है दोस्तों, और आपके गैलरी में सेव हो गया। अब आपको एक साइट पे जाना होगा जिसका नाम है रिमूव बीजी, तो आप गूगल पे डाल देना रिमूव बीजी। उसके बाद फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वहाँ से आप अपनी जो ये स्क्रीनशॉट है दोस्तों, फोटो है, इसको आप बैकग्राउंड पूरा वो गायब कर देगा। तो चलिए मैं भी आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से वो करना है। मैं आ चुका हूँ यहाँ रिमूव बीजी की जो साइट है उस पर आ चुका हूँ दोस्तों। यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे जो अपलोड इमेज का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी इमेज को जो अपने स्क्रीनशॉट लिया था उस वाली इमेज को यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे मैं ब्राउज में जाके दोस्तों इस वाली इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रिपेयरिंग अपलोड हो रहा है, ये अपलोडिंग होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका बैकग्राउंड गायब कर रहा है, मतलब इरेज कर रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोडिंग का ऑप्शन है, तो सिंपली आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना होगा। यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया है। अब आपको लेके चलता हूँ मैं काइनमास्टर में और आगे बताता हूँ कि आगे का जो प्रोसेसिंग है वो कैसा है। सो गाइज, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की काइनमास्टर में। तो यहाँ पे अब इसके बाद करना क्या होगा, सिंपली हमें यहाँ पे अपने वीडियो को यहाँ पे लाना होगा, लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपने जो अभी बैकग्राउंड इरेज किया था उस वाली इमेज को यहाँ पे ले लेना, उसको कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेना है, इसको थोड़ा यहाँ पे इस तरीके से लेके आना है। अब आपको करना क्या होगा, जो डिलीट के ऊपर यहाँ पे चाबी का निशान है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा और आपको अपनी वीडियो को यहाँ पे कुछ इस तरीके से आगे लेके आना होगा और अपनी यहाँ पे इमेज को कुछ इस तरीके से यहाँ पे लेके आ जाना होगा गाइस, ठीक है। तो आगे इस तरीके से लाने के बाद आपको यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपका जो वीडियो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलिए एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि वीडियो वो बना कैसे है। सो गाइज, ये वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से तैयार हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों, जो आपने स्क्रीन में दोस्तों वीडियो देखा था वो दोस्तों यहाँ पे पीसी से एडिट किया गया था, इसलिए उसमें कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे ये एंड्रॉयड मोबाइल से हो रहा है, इस कारण क्या होता है कि थोड़ा लो क्वालिटी आ रहा है। इसके बाद आपको करना क्या होगा दोस्तों, लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इस वाली वीडियो का। तो यहाँ पर इसका मैं साउंड निकालता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे इस वीडियो को मैंने ले लिया है, कैंची के निशान पे जाऊँगा, एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करके वीडियो को डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पे साउंड आ चुका है, तो इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पे साउंड इस तरीके से लगा सकते हैं इस वीडियो में। तो हमारा वीडियो बिल्कुल तैयार हो चुका है गाइज। तो उम्मीद करता हूँ यार, आप लोगों को इस आज का जो ट्यूटोरियल है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अच्छा लगा हो, खराब लगा हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइज, ठीक है। तो इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऑडियो फेड आउट पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऑडियो फेड आउट को बंद कर देना है, ओके कर देना है। इसके बाद शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी वीडियो को HD 720p पे एक्सपोर्ट कर लेना होगा गाइस। तो यार, वीडियो को एक फटाफट से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो देखने के लिए। तो चलिए यार, मिलते हैं किसी फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।